मनरेगा में भी काम करा ला क्यों? हाँ। मनरेगा में क्यों काम करा ला? हाँ। 8 किलो चावल दे लेना, 14 किलो गेहूँ देवक तो चाहिए उन्हें, 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। आज हम के मिर्जापुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुजियारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह बनवासी बस्ती कुजियारी जब पहुंचे, उनका गुस्सा कुछ अलग ही रहा। वो छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते नजर आए। सप्लाई इंस्पेक्टर संजय सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए गाँव के कोटेदार सिराज अहमद के ऊपर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। आप ये तस्वीरें आजमगढ़ की देख रहे हैं, मिर्जापुर की देख रहे हैं। मनरेगा के तहत राशन न वितरण करने को लेकर इस तरह से कार्रवाई करते नजर आए जिला अधिकारी आजमगढ़। बाहर आके बता दीजिए साहब। दूसरी तस्वीरें, दूसरी खबर सरफराज अहमद की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। निजामाबाद से दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सक्रियता निभाते नजर आई। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील किया था कि लॉकडाउन को आप पालन करें और घरों के अंदर रहें। ऐसे में लोगों ने पुलिस की बातों को अधिकांश लोगों ने माना, कुछ मनबढ़ किस्म के लोगों ने उसको अवहेलना करते नजर आए, लेकिन पुलिस प्रशासन भी सख्ती से कदम उठाती नजर आई। पुलिस प्रशासन ने कठोर कार्रवाई किया, कईयों गाड़ी का चलान किया, हर गाड़ी की चेकिंग की गई। ये निजामाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग और पूछताछ की जा रही है। जिन गाड़ियों का जरूरी कागजात है वही आगे जा पा रहे हैं, बच्चे सभी के साथ कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें हम निजामाबाद की दिखा रहे हैं, सरफराज अहमद की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वहीं 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आह्वान पर 9:09 तक जो है लाइटें बंद करने का जो आग्रह था, एक तरह से निवेदन कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री का आदेश था कि लोगों से गुजारिश किए थे कि कोरोना को मात देने के लिए आप जो है इस तरह से कीजिए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं आजमगढ़ की तस्वीरें और हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को मात देने के लिए कोरोना दीपावली मनाते नजर आए भारतवासी। आप बने रहिए जीजीएस न्यूज़ 24 के साथ, ये दिखा रहे हैं तस्वीरें सरफराज अहमद की। आप
देख रहे हैं जीजीएसएन 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।